क्लास स्वागत है आपका। जो चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके सेकंड पार्ट की आज हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट में रहेगी। कब तक? जब तक हम बाहर से कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, ठीक है। आज हम उसको हमने इनर्शिया कहा था। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से है, वो उस प्रॉपर्टी का नाम हमने पढ़ा था बच्चों, इनर्शिया, ठीक है। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इसमें से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, है ना। दो दो चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं, अ क्रिकेट बॉल और अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज़। एक क्रिकेट बॉल होती है और एक रबर बॉल है, दोनों का साइज सेम है, लेकिन इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे किसका ज़्यादा होगा बच्चों, क्रिकेट बॉल का। रीज़न क्या है? मैंने आपको बताया था कि इनर्शिया जो है दैट डिपेंड्स अपॉन मास, मास ऑफ ए बॉडी। अब जो क्रिकेट बॉल है उसका मास जो है वो रबर बॉल से ज़्यादा होता है, हैवी होती है वो, ओके। फिर है अब बस और ए ट्रेन, ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा या बस का ज़्यादा होगा? तो वी विल से द इनर्शिया ऑफ ए ट्रेन विल बी मोर एज़ कम्पेयर टू अ बस। रीज़न वही है, मास। ट्रेन का जो मास है वो बस के मास से ज़्यादा होता है, ओके। अब एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा इनर्शिया को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करने के लिए, आप एक घर पे भी कर सकते हैं। कोई कांच का ग्लास ले लीजिए, जिसको हम ग्लास टम्बलर कह सकते हैं, उसके ऊपर एक थिक कार्ड रखिए, उस कार्ड के ऊपर आप एक कॉइन रखिए, सिक्का रखिए, 5 रुपी कॉइन ले सकते हैं क्योंकि उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, उसका मास ज़्यादा होता है। करना क्या है आपने कि ग्लास टम्बलर के ऊपर, कार्ड के ऊपर आपने कॉइन रखना है। इसको जैसे ही आप ऐसे अपने हाथ से ऐसे फ्लिक करेंगे, उंगली से तेज़ी से, तो फ्लिक करने के बाद आप क्या देखेंगे कि कार्ड जो है, आफ्टर फ्लिक दैट कार्ड मूव्स अवे, बट द कॉइन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द कार्ड विल फॉल इन टू द ग्लास टम्बलर। ये इसके साथ नहीं जाएगा, कार्ड चला जाएगा लेकिन कॉइन अपनी जगह पे ही रहेगा, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा था बच्चों, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया कि कोई भी बॉडी है वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, सो दिस कॉइन विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ओके। तो ये बड़ा इजी सा एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। दूसरा, कुछ एक घटनाएं ऐसी हैं जिनको आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और ये एक्सरसाइज में भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि व्हेन अ हैंगिंग कारपेट, जब कोई दरी जो है, जो लटकी हुई दरी है, जैसे हम सुखा देते हैं बाहर कहीं, इज़ बीटन, उसको पीटा जाए विद ए स्टिक, ठीक है, किसी स्टिक के साथ, तो क्या होता है, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, उस दरी में से जो है वो धूल बाहर निकलती है। जैसे ही आप ऐसे मारना शुरू करते हैं तो उसमें से डस्ट बाहर क्यों आती है, इसका रीज़न क्या है? जैसे ही आपने किसी भी कारपेट को ऐसे स्टिक से मारना शुरू किया तो क्या होगा कि जो कारपेट है वो तो मोशन में आ जाएगी, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, आपने इस पर ध्यान रखना है, दीज डस्ट पार्टिकल्स ये इनर्शिया दिखाएंगे, दे टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट पे रहने की कोशिश करते हैं, ये नहीं मोशन में आना चाहते। तो इस वजह से क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल वही है लेकिन दरी पीछे चली गई, जैसे आपने उसको पीटा तो आपको ऐसा लगेगा कि डस्ट उसमें से बाहर आ रही है, जबकि दरी आगे पीछे जाने से डस्ट अपनी जगह पे ही रुकी हुई है, इसलिए डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, ओके। सेकेंड जो घटना है वो है व्हेन ए ट्री इज शेकन, जब किसी पेड़ को आप हिलाते हैं ऐसे पकड़ के, विगरसली मतलब तेज़ी से, ठीक है। तो ट्री, ये कोई ट्री है लेकिन इसका स्टेम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल, ऐसा ना हो कि बहुत हार्ड है तो उसको तो आप हिला ही नहीं सकते। जो फ्लेक्सिबल पेड़ होते हैं अगर आप उनको ऐसे पकड़ के हिलाएंगे तो क्या होगा, उनके जो फ्रूट्स और लीव्स हैं, जो पत्ते और फूल हैं, दे फॉल डाउन, वो नीचे गिर जाते हैं। इसका रीज़न भी क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हिलाने पर क्या होता है, जैसे आप पेड़ को हिलाते हैं तो ये पेड़ तो पूरा किस में आ जाता है, मोशन में, लेकिन इसके ऊपर जो लीव्स हैं, ठीक है, या फिर जो फ्रूट्स लगे हुए हैं, दे ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट पे रहने की कोशिश करते हैं। तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, लेकिन पेड़ को आपने हिला दिया, उसको मोशन में ले आए, तो एक रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा है, एक मोशन में आ रहा है, इसलिए इनकी आपस में बनती नहीं, जो ये
फ्रूट है ये भी नीचे गिर जाते हैं और जो लीव्स हैं ये भी नीचे गिर जाते हैं जैसे आप इनको हिलाते हो तो। ओके, नेक्स्ट बस का एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि बस से ट्रेवल करते हुए कि बस अगर अचानक से स्टार्ट हो जाए, यानी ड्राइवर अगर अचानक से चला दे उसको सडनली, तो जो पैसेंजर्स हैं बस में, जो यात्री हैं, दे फॉल बैकवर्ड्स, वो पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसा क्यों और ऐसा क्या होता है कि बस जब चल रही है मोशन में, तेज स्पीड में चल रही है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दे बच्चों, तो ब्रेक अप्लाई करने पर मतलब जो पैसेंजर्स हैं वो किस तरफ गिर जाते हैं, फॉरवर्ड, वो आगे गिरते हैं। जब ऐसे खड़े होते हैं और बस अचानक से चलती है तो बैकवर्ड गिरते हैं, और जब चल रही है और अचानक से ब्रेक अप्लाई होता है तो हम फॉरवर्ड गिरते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है कि कोई पैसेंजर जो खड़ा है, ठीक है, या बैठा है, मान लीजिए ये कोई पैसेंजर बना देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये कोई पैसेंजर है मान लीजिए ऐसे ये, तो हमारी जो बॉडी है एक उसका कौन सा पार्ट है बच्चों, अपर पार्ट, और एक पार्ट है हमारा लोअर पार्ट जो बस के संपर्क में है, टच में है। अब क्या होता है कि जो ये लोअर पार्ट है, क्योंकि ये बस के साथ ऐसे संपर्क में है, तो बस अगर मोशन में आएगी तो लोअर पार्ट भी मोशन में आ जाएगा, लेकिन अपर पार्ट जो है इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, दिस अपर पार्ट ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट, ये रेस्ट पे रहने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं, आपका लोअर पार्ट जो है वो बस के साथ एकदम से बस चली तो लोअर पार्ट उसके साथ चला, लेकिन अपर पार्ट अभी रेस्ट पे ही रहने की कोशिश कर रहा है, तो पैर आगे चले गए, ऊपर का हिस्सा जो है वो अपनी जगह पे है, इसलिए आप बैकवर्ड गिरते हैं। ऑलराइट, दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए आप चल रहे थे तो आपका लोअर पार्ट भी मोशन में था, ठीक है, जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक अप्लाई करता है तो लोअर पार्ट जो है वो अचानक से रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट अभी भी आपका मोशन में है, तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट जो है वो आगे चला जाता है और लोअर जो है वो पीछे ही रह जाता है, इसलिए जो पैसेंजर्स हैं वो फॉरवर्ड गिर जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, जो बैकवर्ड वाला है इसमें आप कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दो अलग अलग वर्ड याद रखने हैं। बैकवर्ड वाला जो केस है, जो हम पीछे गिरते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और फॉरवर्ड वाला जो है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि इनर्शिया भी तीन टाइप का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करती है, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब जिस दिशा में कोई चल रहा होता है उसी दिशा में चलने की कोशिश करता है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है कि बस अगर शार्प टर्न ले ले ऐसे, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो है ना वो आप बाहर की तरफ ऐसे गिरने को हो जाते हो। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कार से हम ट्रैवल करते हैं या कोई भी फोर व्हीलर से हम ट्रैवल करते हैं तो साथ में सीट बेल्ट दी होती है। सीट बेल्ट इसीलिए गिवन है कि एक्सीडेंट से बचा जा सके। जब हम हाई स्पीड में होते हैं तो हाई स्पीड में चलते हुए आपका जो लोअर पार्ट है वो तो स्पीड में ही है, लेकिन अगर अचानक से ब्रेक अप्लाई हो जाए कहीं पर या किसी से टक्कर हो जाए तो आपका जो वो अपर पार्ट है बॉडी का वो फॉरवर्ड आ जाता है, आगे आ जाता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उसको आगे आने से रोकने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो दिस वाज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मेनली इसी वर्ड का ज़्यादा जिक्र था, इनर्शिया। इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में पहले बता दिया था, न्यूटन ने उस बात को थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट किया, इसलिए उसको हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ की तरफ, लेकिन सेकेंड लॉ पे चलने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए। उनमें से एक टर्म है मोमेंटम। मोमेंटम को स्टडी करने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए बच्चों, वही बात लेते हैं कि एक क्रिकेट बॉल है जो कि लेदर की बनी होती है, ये वाली आपकी क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और ये वाली जो है ये आपकी रबर बॉल कहो या ये टेनिस बॉल कहो, ये हल्की होती है ना, टेनिस बॉल। अब दोनों बॉल जो हैं वो बराबर स्पीड से किसी ने फेंक दी, मोशन में है, तो दोनों को हम रोकने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, ठीक है। तो दोनों में से सेम स्पीड से आ रही हैं, दोनों को रोकने के लिए
कौन सी बॉल को रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? ऑब्वियसली कौन सी बॉल को? क्रिकेट बॉल को। रीज़न क्या है? क्योंकि क्रिकेट बॉल का जो मास है वो ज़्यादा है, टेनिस बॉल का मास जो है वो कम होता है। तो पहली चीज़ मोशन में हमने ध्यान रखनी होती है मास की, है ना। मान लीजिए एक कार सेम स्पीड से चल रही है, ट्रक सेम स्पीड से चल रहा है, लेकिन जो लोरी या ट्रक जिसको आप कहते हो उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि वो हैवी है, उसका मास ज़्यादा है, हालांकि स्पीड सेम थी। अब दूसरी स्थिति ये है कि मान लीजिए कि दोनों बॉल आपके पास क्रिकेट बॉल हैं, है ना, ये वाली बॉल भी क्रिकेट बॉल है, तो अब की बार जो है वो मास तो सेम हो गया, लेकिन ये वाली बॉल जो है ये स्लो चल रही है और ये वाली जो बॉल है ये बहुत फास्ट चल रही है, तो किसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? फास्ट को। या ये कहें कि आप ये दोनों बॉल अगर किसी को मारेंगे तो आपने धीरे से अगर किसी को मारा तो उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन आपने तेज़ फेंक के मारा तो ऑब्वियसली फोर्स ज़्यादा लगेगा, दर्द ज़्यादा होगा। इसका मतलब दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ स्पीड। ये वाली बॉल जो है ये फास्ट चल रही थी तो इसकी स्पीड ज़्यादा थी और इसकी स्पीड कम थी। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन में हमें दो चीज़ें उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए, एक है उस बॉडी का मास और एक है उसकी स्पीड या वेलोसिटी, और इन दोनों की प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो फिजिक्स में मास और वेलोसिटी को इकट्ठा हम क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो व्हाट इज मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, इन दोनों की प्रोडक्ट को हम मोमेंटम कहते हैं, और मोमेंटम को हम बच्चों लिखते हैं पी से। तो बेसिकली पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है, ये याद रखना, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। दूसरी बात जो याद रखनी है, वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और मास स्केलर होती है, मतलब वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आपने याद रखनी है। तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अगली चीज़ जो याद रखनी है वो है इसकी एसआई यूनिट, मतलब मोमेंटम को मेज़र किस में करते हैं? तो मास को हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में और वेलोसिटी को मेज़र करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोमेंटम को समझना क्यों ज़रूरी है? मोमेंटम को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे आसपास जो घटनाएं होती हैं वो मोमेंटम को लेकर के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंट्स जो होते हैं, या हमने कहा था कि आप कोई, है ना, मार्बल ले सकते हो, कंचा, है ना, उसको आप स्लोली अगर किसी को फेंक के ऐसे करेंगे तो उससे किसी को दर्द नहीं होगा, लेकिन उसको तेज़ फेंक के मारेंगे तो मास हालांकि पहले जितना ही है लेकिन क्या चेंज होगी? उसकी वेलोसिटी। तो इसका क्या क्या बढ़ गया है अभी? मोमेंटम। तो इसका मतलब अगर आपने मोमेंटम बढ़ाना है किसी ऑब्जेक्ट का तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा था मास और वेलोसिटी दो फैक्टर हैं, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा देंगे, यानी कोई चीज़ हैवी ले लेंगे, तो उसका क्या क्या इंक्रीज़ हो जाएगा बच्चों? मोमेंटम। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर देंगे तो भी क्या चेंज हो जाएगा? मोमेंटम। दोनों इंक्रीज़ कर देंगे तो मोमेंटम और मैनी फोल्ड जो है कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। मोमेंटम के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। हमने बताया था, मैंने यही बताया था कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, फास्ट मूविंग जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, वहां पे क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगता है, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एक्सीडेंट जो है वो, उसमें चोट लगने के चांसेस जो हैं, हर्ट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आप स्लो चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने पर उतनी चोट नहीं लगेगी क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा नहीं है, वेलोसिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ओके। अब अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ली जाए कि व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ ए मैन, ठीक है, एक इंसान का हमने मोमेंटम निकालना है, अगर उसका मास 75 kg है
और ही इज़ मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप निकाल के बताएंगे, ये कोई इंसान है, मोमेंटम ऑफ ए मैन हमने निकालना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी, मोमेंटम कितना होगा, एक इंसान है जिसका मास बॉडी का है 75 kg एंड ही इज़ मूविंग विद ए स्पीड विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हिज मोमेंटम। देखिए, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक कि हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, है ना। अब न्यूटन से किसी ने सवाल किया कि भैया बाहर से जब ये जो फोर्स हम लगाते हैं, इस फोर्स को क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है उसको हम मोशन में लेके आते हैं तो हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बाहर से हम कितना फोर्स लगाते हैं इसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन ने उसका जवाब दिया अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, अब इसकी शुरुआत, किसी भी लॉ की शुरुआत आप ये स्टार्टिंग में ये लगाकर कर सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट, मतलब ये लॉ कहता है कि, है ना, क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, याद रखना है चेंज इन मोमेंटम, और एक वर्ड आया रेट का मतलब टाइम के साथ जो हम कंपेयर करते हैं, तो कितने टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का जो सिंबल होता है वो ये होता है मैथमेटिकली, तो इतना लंबा लिखने की बजाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम सीधा ये सिंबल लगा देते हैं। इसका मतलब है डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है, है ना, किस बात पर निर्भर करता है, द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, इसको उल्टा भी कह सकते हो कि बाहर से जो हमने फोर्स अप्लाई किया था, फोर्स मान लो था F, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, किसके रेट के, चेंज इन मोमेंटम। तो शॉर्ट में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकली इसको निकाल के बताएंगे कैसे है। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि एक कार है, उस कार का मास है मान लो m, मास है m, मास कभी चेंज नहीं होता, तो बाद में भी इसका मास m ही रहेगा, है ना, स्मॉल m से लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए m है। अब स्टार्टिंग में ये कार जो है ये किसी स्पीड से चल रही थी, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, लेकिन हमने क्या किया, थोड़े टाइम के बाद बाहर से फोर्स अप्लाई किया, पहले हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया था, जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया अब इसकी स्पीड चेंज हो गई, फाइनल जो इसकी वेलोसिटी है वो बन गई v। ठीक है, तो इसी को आगे लेके चलते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टाइम को तो t से लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम, पहले जो इसका मोमेंटम था मान लीजिए वो p1 था, और बाद में t टाइम के बाद इसका जो मोमेंटम है वो बन गया p2, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, p2 - p1। ठीक है, अब बताइए ये फाइनल मोमेंटम कितना होगा, p2। मोमेंटम हम कैसे निकालते थे बच्चों, मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट, तो मास m था, वेलोसिटी v थी, तो जो p2 की वैल्यू है वो बनी mv माइनस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p1, m u, ये इनिशियल मोमेंटम था, डिवाइडेड बाई टी। आगे चलते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों में देखिए नीचे तो अभी भी हमारा टी ही है, इन दोनों में से कॉन्स्टेंट जो है वो है m, m हमारा कॉमन आ जाएगा, m इसमें भी है इसमें भी है, अगर यहाँ से m निकालोगे तो v माइनस, यहाँ से m बाहर चला गया तो u, ये बचा। अब बताइए m इंटू, इसको मैं इकट्ठा लिख देता हूँ वी माइनस यू, और इस पूरे के डिवाइड में मैं कर देता हूँ टी। अब ये आपको समझ आया, ये हमने पीछे मोशन वाले चैप्टर में स्टडी किया था, दिस इज चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ये हमारा होता था बच्चों एक्सेलरेशन, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस पूरी वैल्यू को ए से, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एम तो है ही, इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आपने और याद रखनी है साइंस में, कि जब हम ये प्रोपोर्शनल टू का सिंबल हटाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में हमें इसकी बात नहीं पता, हम इक्वल्स टू लगाते हैं, तो प्रोपोर्शनल टू को
हम जब इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो हम लगाते हैं हमेशा एक कांस्टेंट, कोई ना कोई कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए एफ इज, अगर मैं इक्वल टू लगाता हूँ तो यहाँ एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, के एम ए। अब ये k की वैल्यू हमें नहीं पता, SI सिस्टम में इसकी वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 मान लूँ तो फोर्स का आपके पास फाइनल फॉर्मूला क्या बना, फोर्स का फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू या F इक्वल्स टू m इंटू ए। ये याद रखना है आपने, न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स का फॉर्मूला दिया था मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की SI यूनिट भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, व्हाट इज़ दी SI यूनिट ऑफ फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसकी SI यूनिट क्या होगी। मास को हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में और एक्सेलरेशन की हमने SI यूनिट की थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इतनी लंबी चौड़ी चीज़ हम याद नहीं रख सकते, इसलिए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मेज़र करने के लिए आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को n से रिप्लेस कर सकते हो। व्हाट इज़ दिस n, ये जो कैपिटल N यहाँ पर लिखा हुआ है ये है न्यूटन। तो कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ दी SI यूनिट ऑफ फोर्स, तो बच्चों आप कहेंगे न्यूटन। न्यूटन का आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने n जो है वो स्मॉल लिखा है। ये बात भी आपने याद रखनी है कि जब आप किसी साइंटिस्ट का नाम लिखते हो, जैसे आपने इंग्लिश में स्टडी किया होगा, प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो नाम का फर्स्ट लेटर कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता, लेकिन साइंस में हो सकता है। किसी भी साइंटिस्ट ने अगर अपने नाम से ही यूनिट दी होती है तो उसका फर्स्ट लेटर हम स्मॉल लिख सकते हैं जब पूरा नाम लिखेंगे। अगर सिंगल लेटर में लिखना है तो कैपिटल लिखा जाएगा एन। जैसे हम साइंस में आगे स्टडी करेंगे कैपिटल जे जो एनर्जी की यूनिट होती है या वर्क की यूनिट होती है, दैट इज जूल। ठीक है, जूल। तो जूल नाम का भी एक साइंटिस्ट था, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर जो है वो हम स्मॉल लिखते हैं। तो दिस वॉज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और बातें करेंगे।